गहलोत गए तो आएगी नहीं साहब, अब की बार कुर्सी क्या है उसको दरी भी नसीब नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो, यही तो हाँ, बैठने के लिए बिछाएगा भी, बिछाने के लिए दरी भी नसीब नहीं होगी। जादू करके अगर कुर्सी ले ली तो कुछ नहीं होटारा से निकाल ली तो मिलेगी नहीं साहब, मिलेगी नहीं, राजस्थान में तो नहीं मिलेगी। जातिवाद में बांट रहे हैं, यहाँ देखो आप पूरा नजारा देखो, सर समत 36 कौम की जनता यहाँ पे बैठी है और एक ही बस भगवा लहराना है। ये भी तो आजकल भगवा बन के राजस्थान में एंट्री मारी तो सीटें बढ़ेगी राहुल गांधी का? कोई नहीं, भगवा ऐसे पहनने से थोड़ी होगा, पारसी पारसी रहेगा और भगवादारी भगवादारी रहेगा। साहब भगवे के लिए तो राम मंदिर के खिलाफ उन्होंने वकील खड़े किए थे, तब वो भगवा कहाँ गया था? इलेक्शन के टाइम मंदिर याद आता है इनको, आई समझ में क्यों आया आप दूसरे दिन दूसरे टाइम में कहाँ जाते हो आप? जैसे ये मोदी जी काशी विश्वनाथ है, ये अपने उज्जैन है, यहाँ का दौरा करते हैं तो फिर आप भी क्यों नहीं करते हो? उनके लिए क्या रोड बंद हो जाती है क्या? अचानक क्या हो रहा है कि इतने सालों पैसे नहीं, चार सालों में पैसे नहीं आए और अभी अचानक जनता को गुमराह करने के लिए स्कीमें चला रहे हैं, तो क्या लग रहा है अशोक जी आ रहे हैं क्या सरकार में? नहीं 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 आएगा, नहीं आवे, हाँ नहीं आएगा। ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सरकार रिपीट कर रहे हैं, नहीं नहीं आएगा। मोदी जी आएगा, मोदी आएगा, हाँ वो क्यों आएगा? मोदी क्या कर रहा है? मोदी तो कई काम कर रहा है, देश के लिए दौड़ रहा है। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव बेहद खास होने जा रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में ये दावा किया जा रहा है कि इस बार राजस्थान की लगातार चली आ रही परिपाटी टूटने जा रही है और ये दावा किया है राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। लेकिन क्या वाकई में उनका ये दावा जमीन पर उतरेगा या भाजपा इस बार इस परिपाटी को कायम रखते हुए यहाँ पर राजस्थान में वही माहौल बनाएगी और अपनी सीट क्या राजस्थान की जनता के दिलों में जगह बना पाएगी? आपको बता दें इस वक्त हम ब्यावर जिले के जैतारण विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है और इनसे बातचीत में आपको बताएंगे कि यहाँ की जनता का क्या माहौल है और राजस्थान की विधानसभा चुनाव को लेकर जैतारण की जनता क्या सोचती है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगा, बीजेपी जीतेगा, हाँ सर। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? अशोक जी कहते हैं कि इस बार जो है जादू चलेगा और अशोक जी सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। जादू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जादू नहीं चलेगा, जादू बहुत चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, संतोष नहीं है, जनता सब परेशान है, मानो खुद। ये अशोक जी तो कहते हैं कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मेरे को छोड़ नहीं रही है, क्या करूँ मैं? अब छूट जाएगी अपना आप ही, अपना आप जनता छुड़ा देगी, जनता जनार्दन अपना आप छुड़ा देगी, बस काम नहीं किया अशोक जी, कृष्णों को बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी, हाँ कोई काम नहीं किया, पब्लिक को सब लेने लगी, कोई काम को कुछ नहीं किया। वो तो कह रहे कि अशोक जी ने मोबाइल बांटे, अशोक जी ने जो स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत सारा काम किया, किसी को नहीं दिया, खाली 2-4-5 ने दे दिया, जुड़ा लटका दिया, सब लेने लगी, लोगों ने पाँच आया, फिर कौन दिया, कोई कौन दिया, सब लोगों ने बुआ फैला दी, मैं फोन दूँ, कोई किसी को नहीं दिया। अच्छा, तो भाजपा आ रही है क्या फिर? भाजपा तो आई गई, वो तो आई गई, उसका तो कोई रोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं, मोदी तो आराम से आएगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी ने बहुत फायदा किया लोगों के, पब्लिक का फायदा, जो पब्लिक फायदा होगी उसको वोट देगी, बिल्कुल। तो लग रहा है कि मोदी के राज में फायदा हो रहा है क्या? फायदा हो रहा है, सब हर बात में मोदी फायदा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चारा ही नहीं है, मुख्यमंत्री अपना टाइम बताई, अपना टाइम कह रही थी सर, यूपी में भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, फिर भी योगी जी आए और प्लस आज तक जो इतिहास में नहीं हुआ वो इस बार मोदी सरकार में हुआ है। क्या ऐसा क्या? राम मंदिर बना, आज तक 500 सालों में राम मंदिर नहीं बना था, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 कश्मीर से हटवाई, सब मोदी जी के राज में ही हुआ है। तो ये अशोक जी बार बार ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जो है इस बार परिपाटी टूटने वाली है, सरकार रिपीट होने वाली है? नहीं होगी सर, नहीं होगी, क्योंकि इस दावा करने वाले खूब कर सकते हैं लेकिन मतलब वोट तो पब्लिक को देने का हाथ में है। तो क्या लग रहा है ये अशोक जी रिपीट नहीं कर पाए? ऐसा है, आप बोल रहे हो कि अभी अशोक जी ने काम किया, 4.5 सालों में तो काम हुआ नहीं, अचानक ये रेवड़े बांटने में क्या होता है? अचानक क्या हो रहा है कि इतने सालों पैसे नहीं, 4.5 सालों में पैसे नहीं आए और अभी अचानक जनता को गुमराह करने के लिए स्कीमें चला रहे हैं? कह रहे पहले भाजपा जो है वो परेशान कर रही थी ये नेता नहीं, भाजपा तो कोई कर नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। हम ये नहीं बोल रहे कांग्रेस खराब है, भाजपा खराब है, मगर उनकी नीतियां खराब है ना, कांग्रेस की नीतियां खराब है ना,
साढ़े चार सालों में क्या हुआ, साढ़े चार सालों में पैसे नहीं थे उनके पास में, लोगों के छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, लोगों की पेंशन टाइम पर नहीं आ रही है, लोगों को मजदूर वर्ग को बरोबर टाइम पे वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो फिर साढ़े चार सालों में क्या हुआ, साढ़े चार सालों में पैसे नहीं थे, अब छः महीना भी पैसे आए उनके पास में, तो फिर कैसे करें, जनता गुमराह करे, जनता जा गई है, जनता भी किसको वोट देना किसको नहीं देना जनता सब जानती है। आने वाले समय में किसका मुख्यमंत्री बनेगा वो तो समय बताएगा। जनता न्याय करेगी, जनता अपना आप न्याय कर देगी। किसी के कहने का अशोक जी कहने, मोदी कहने के, जनता अपना आप न्याय कर देगी। मोदी जी को देगा अशोक जी, किसको, जनता अपना आप न्याय करेगी। ये अशोक जी को जननायक कहते हैं? कोई जननायक नहीं है। नहीं है? अच्छा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह। तो क्या लग रहा है अशोक जी आ रहे हैं क्या सरकार में? नहीं नहीं, नहीं आएगी। नहीं आवे? हाँ नहीं आएगी। ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सरकार रिपीट कर रहे हैं। नहीं नहीं आएगा। मोदी जी आएगा। मोदी आएगा? हाँ। वो अच्छा, क्यों आएगा? मोदी क्या कर रहा है? मोदी तो कई काम कर रहा है, देश के लिए दौड़ रहा है। और गहलोत? गहलोत तो क्या, इसका क्या नहीं कर रहा है? ये राहुल गांधी भी तो राजस्थान में आए थे, तो राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। अरे कांग्रेस के युवा नेता है? नहीं, वो वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन है, वो नहीं, नहीं, नहीं मिलेगा। बस मतलब जाना ही कोनी हाल बात तो देखी कन शकली कांग्रेस है ही नहीं, नहीं आएगा। वो तो कह रही मेरी शकल मेरी नानी से मिलती है, दादी से मिलती है। नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा। मोदी जी आए ही नहीं, अब कांग्रेस है ही नहीं, अब कांग्रेस नहीं है। नहीं है राइस कारण मानते क्यों नहीं है कांग्रेस? वो तो अब पब्लिक बता रही है ना, पब्लिक से सुनो आप, पब्लिक की डिमांड क्या है, काम करते हो तो कांग्रेस को देना। कांग्रेस काम ही नहीं कर रही ना, पहले जैसा, जैसे सोनिया गांधी के राज में काम हो रहे थे वैसे कहाँ हो रहे अब? कांग्रेस कहाँ कर रही है काम? जागरूक हो रही है जनता, जागरूक होने से अब कुछ नहीं है कांग्रेस का। तो बा आपको लग रहा है कि गहलोत जी आने वाले कि नहीं आने वाले? आने वाला तो आए साहब, क्यों नहीं आवे? गहलोत जी आ रहे हैं, पब्लिक ने सब हाजिर है। आए। और भाजपा? भाजपा जीतेगी, हारेगी? नहीं नहीं, अब देखो साहब, पब्लिक रहते हुए तो साहब अब आप का ही समझा वही हो तो आगे जाता कट नहीं जा रहा, कोई पता नहीं है लोग बड़ा आई। अच्छा ये बार बार, एक तो ये आरोप लगता है गहलोत सरकार पर, ये तुष्टिकरण का आरोप लगता है कि गहलोत के राज में तुष्टिकरण की नीति है, सच है क्या ये आरोप? पिछले 75 साल से तुष्टिकरण की नीति चली है, 75 साल से किसी एक विशेष जाति समाज को प्रोत्साहन दिया गया है, और आज भी समाज में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहा है, गांव में बेरोजगारी बहुत है, सिर्फ रेवड़िया बाटी हम के हम मोबाइल दे रहे हैं। 5 साल कहाँ गए आप? इतने साल तो पैसा आ रहा था, और अब जनता जनार्दन समझ गई है कि हमारे को सनातन धर्म का झंडा लेके ही साथ चलना है। विकास आदमी खुद कमाएगा, खुद करेगा, अगर सनातन धर्म जिंदा है तो आदमी जिंदा है। तो कौन खत्म कर रहा है सनातन धर्म? कांग्रेस सरकार कर रही है सर। कैसे? कैसे क्या, जातिवाद में बांट रहे हैं? यहाँ देखो आप पूरा नज़ारा देखो, सर्व समत 36 कौम की जनता यहाँ पे बैठी है, और एक ही बस भगवा लहराना है। हमारे को पार्टी से मतलब नहीं है, हमारे को हमारा संस्कृति जीवित चाहिए, हमारा सनातन धर्म चलना चाहिए, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए, देश सुरक्षित हम सुरक्षित हैं। तो गहलोत जी तो कह रहे हैं कि मैं जो है सबका भला सोचता हूँ, हर धर्म का भला। कहाँ भला सोच रहे सर? वहाँ कन्हैयालाल के हत्यारों को 5 लाख रुपए दिए, और जयपुर में आपने 50 लाख रुपए दिए हैं, कहाँ दिए, कहाँ किया आपने? ये न्याय है क्या? ये न्याय नहीं है सर। ये हमारे पड़ोस में स्वाति हत्याकांड हुआ था, कुछ नहीं हुआ उनको, कुछ मुआवजा नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। आप एक जाति विशेष के आदमी को 50 लाख दे रहे हो, और हिंदू धर्म का आदमी करा उसको 5 लाख रुपए दे के संतुष्ट कर रहे हो, तो ये हो गया ना सर। लेकिन ये लास्ट टाइम पे ये मोबाइल बांटना, ये बिजली फ्री करना, ये चीज़ें है ना, जनता क्या पता वोट दे दे? मोबाइल किसको दिया? हमारे गांव में पूछो जाके किसको दिया? सिर्फ मिलने वाले को, सिर्फ मिलने वाले को। मैं जैसे मेरा कोई मिलने वाला है मैं उसको दिला दिए, बाकी आप 90% महिलाओं को वो मोबाइल नहीं मिला है। पेंशन इतने साल आती जा रही थी, वोट आए पेंशन बंद हो गई, कहाँ से मिलेगा? आज हमारे गांव में 25,000 स्टूडेंट है, 2500 स्टूडेंट है स्कूल में, उनके लिए खेल मैदान नहीं है क्या? नहीं मिल सकता है क्या?
अच्छा, ये तुष्टिकरण का मतलब मुद्दा जो है वो हावी मुद्दा है, भारी मुद्दा है? हावी मुद्दा नहीं, देखो आजकल जनरेशन समझ चुकी है कि हमारे को क्या चाहिए। जब देश सुरक्षित रहेगा, गांव सुरक्षित रहेगा, तो हम ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएंगे। बहुत अत्याचार हो रहे हैं, आप आए दिन महिलाओं पे, बाल बालिकाओं पे देखते हैं। उस इतने 5 सालों में कितने अत्याचार हो गए, गिनती नहीं है। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये जब यहाँ पर चुनावी रैली करी है राजस्थान में, तो इसका फर्क पड़ेगा? सर उनको 1 से लेकर 10 तक गिनती आती है, 11वीं गिनती नहीं आती है। उन्होंने जो वादे किए ना, आज भी वो वापस रिपीट होने लग गए, हम कर्ज माफी करेंगे। उनको 11वीं गिनती नहीं आती, 10 तक गिनती आती है। वो सब अनपढ़ लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता है लोग। लेकिन जनता जनार्दन समझदार है, उनको नहीं चाहिए फोगट की रेवड़े, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। राहुल गांधी तमिलनाडु में भी बांट रहे हैं, राजस्थान की जनता को नहीं चाहिए क्या? वो तमिलनाडु में आप खुद बता सकते हो वहाँ क्या है। यही तो तुष्टिकरण की राजनीति, वहाँ केजरीवाल दे रहा है, वो उनकी हालतें खराब हो रही है, उनकी हालतें खराब हो रही है। वो प्रधानमंत्री जी से भीख मांग रहे कि हमारे को डोनेशन दो, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आप जितना आप फ्री में लेना चाहोगे, वो नुकसान अपने को ही है। तो आपको लग रहा है कि कुल मिला के, क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश वैष्णव। ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है ये इस बार जो मुकाबला हो रहा है विधानसभा का, इसमें गहलोत जी कह रहे परिपाटी में तोड़ने जा रहा हूँ, राहुल की एंट्री, प्रियंका की एंट्री, गहलोत गए तो आएगी नहीं साहब, अब की बार कुर्सी क्या है उसको दरी भी नसीब नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो, दरी यही तो, हाँ बैठने के लिए बिछाएगा भी, बिछाने के लिए दरी भी नसीब नहीं होगी। जादू करके अगर कुर्सी ले ली तो कुछ नहीं होगा, से निकाल ली तो मिलेगी नहीं साहब, मिलेगी नहीं राजस्थान में, तो नहीं मिलेगी, तो जादू चल नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। बीजेपी आई, यहाँ तो पब्लिक खुद जादूगर है, ये तो खुद भी ऐसो के ऊपर जादू कर देगी, ऐसे समझ में, उसको दरी भी नसीब नहीं आएगी क्या। और प्रियंका इनका अब यह आप कौन जानते हैं, प्रियंका को मालूम ही नहीं है उनका। लेकिन ये राहुल गांधी तो कह रहे युवा नेता है कांग्रेस। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप खुद बताइए, राजीव गांधी के दादे का नाम क्या था बताओ आप। आप ये तो फिर पूरा ये खान वान उधर नहीं नहीं बस तो फिर बस तो इन वास्ते अपन तो सब बात कह रहा है, वो तो हाइब्रिड औलाद है, उससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, और क्या है ऐसी पार्टी को लाने से फायदा क्या है। अरे आजकल तो भगवा पहनते हैं एकदम, धोती वोती पहन के पूरा माला वाला तिलक विलक। हम तो खुद कह रहे हैं ना, हम तो खुद ही सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे और सनातन के साथ भी रहेंगे। तो ये भी तो आजकल भगवा पहन के राजस्थान में एंट्री मारी तो सीटें बढ़ेगी राहुल गांधी के आने से? कोई नहीं, भगवा ऐसे पहनने से थोड़ी होगा, पारसी पारसी रहेगा और भगवादारी रहेगा। साहब भगवे के लिए तो राम मंदिर के खिलाफ उन्होंने वकील खड़े किए थे, तब वो भगवा कहाँ गया था? इलेक्शन के टाइम मंदिर याद आता है इनको, आई समझ में क्यों आया। आप दूसरे दिन दूसरे टाइम में कहाँ जाते हो आप? जैसे ये मोदी जी काशी विश्वनाथ है, ये अपने उज्जैन है, यहाँ का दौरा करते हैं, तो फिर आप भी क्यों नहीं करते हो? उनके लिए क्या रोड बंद हो जाती है क्या?